हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट एड फन। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके लिए एक नया टेक्निकल तरीका लेके आया हूँ। आज आपको बताऊँगा कि अपने फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट कैसे करें, पूर्ण तरीके से ख़त्म कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोल लेना है। ये देखिए, मैंने अपना फेसबुक खोल लिया है। उसके बाद बगल में तीन डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। फिर आप नीचे जाएंगे तो नीचे लिखा होगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए लिखा रहा है सेटिंग, तो आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर लिखा है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके अकाउंट की डिटेल आ गया। नीचे लिखा है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, सबसे लास्ट में अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपका एक नया पेज खुलेगा। उसमें देखिए सबसे पहले लिखा है मेमोरियलाइजेशन सेटिंग और नीचे लिखा है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, तो आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा है डीएक्टिवेट अकाउंट एंड डिलीट अकाउंट। यदि आप डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन आपको पूर्णतः परमानेंट अकाउंट का ब्लॉक करना है, हमेशा के लिए हटाना है, तो नीचे सेकंड ऑप्शन है डिलीट अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक करना है। अब ये पूछेगा कि आप अपना अकाउंट डिलीट क्यों करना चाहते हैं। आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, मैंने ज़्यादा समय फेसबुक पर गुजार दिया, आई है प्राइवेसी कंसर्न, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको करना है सीधे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर क्लिक करना है सीधे। इसके बाद देखिए नीचे एक नया पेज खुल जाएगा। इसमें दो तीन ऑप्शन और दे रखे हैं, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, इसमें आप अपने फोटोज वीडियो जो अपलोड किए हैं फेसबुक पर वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन भी है, यानी इसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इसमें आपको बता देता हूँ कि डाउनलोड इन्फो में डाउनलोड कैसे करेंगे। तो आपको डाउनलोड इन्फो पर क्लिक करना है। अब ये नया पेज खुल गया है। अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, इसे नीचे करेंगे अपनी स्क्रीन को, नीचे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट फाइल, उस क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा आपकी लिंक तैयार हो जाएगी। लिंक में आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, और ब्राउज़र ओपन होने के बाद वो आपका फेसबुक का पासवर्ड मांगेगा। जैसे हम फेसबुक का पासवर्ड देंगे आपका डाटा आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। वापस बैक पर आएंगे हम, नीचे लिखा है डिलीट अकाउंट, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड मांगेगा फेसबुक का। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे इसमें और कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, और इसमें आपसे एक बार कंफर्म करेगा, उसके बाद आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, आपको अपना फेसबुक अकाउंट 30 दिनों तक खोलना नहीं है। अगर आप 30 दिनों के बीच में इसे खोल लेते हैं तो ये वापस से आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा, डिलीट नहीं होगा, इसलिए 30 दिनों तक इसे खोलना नहीं है।